देहरादून में पीएम मोदी के फैसले को लेकर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का कहना है, पीएम नरेंद्र मोदी ने किसानों की भावनाओं का सम्मान किया है। पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किया पीएम मोदी के फैसले का स्वागत, खेती के विकास के लिए काम जारी रखने की उम्मीद जताई। भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत ने पीएम मोदी के इस पहल के लिए उनका धन्यवाद दिया। हम तो कहे इस पहल का हम धन्यवाद करें, स्वागत करें इस पहल का, जो यह सच्ची पहल है तो इसका हम दिल से स्वागत करें, होनी चाहती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीनों कृषि बिलों को वापस ले जाने की घोषणा के बाद मेरठ के किसानों का कहना है कि तीनों कानूनों को वापस ले जाने की घोषणा एक स्वागत योग्य कदम है। इस फैसले से किसानों के चेहरे पर मुस्कान आई है। राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर कहा, देश के अन्नदाता ने सत्याग्रह से अहंकार का सर झुका दिया, अन्याय के खिलाफ ये जीत मुबारक हो। पीएम मोदी के कृषि कानूनों को वापस लेने के फैसले का किसानों ने किया अभिनंदन और एक दूसरे को जलेबी खिलाकर जश्न मनाया और खुशी जाहिर की। अमरोहा में गंगा तिगड़ी घाट पर ऐतिहासिक मेले में किसान यूनियन ने गंगा तिगड़ी पर 750 शहीद किसानों को श्रद्धांजलि देते हुए किसानों की ओर से किया दीपदान। प्रयागराज में कृषि कानूनों को वापस लेने की खबर मिलते ही किसान घरों से बाहर निकल आए। किसानों ने ढोल नगाड़े के साथ झलवा चौराहे पर जमकर मनाया जश्न। इस मौके पर किसानों ने जमकर की आतिशबाजी। काशीपुर में किसानों ने सड़क पर उतरकर की आतिशबाजी। कुंडेश्वरी में दर्जनों किसानों ने सड़क पर उतरकर आतिशबाजी की और एक दूसरे को मिठाई बांटी। उत्तरकाशी के आपदाग्रस्त क्षेत्र आराकोट बंगाण में राजकीय इंटर कॉलेज टिकोची में पिछले कई दिनों से लगातार स्कूली छात्र छात्राओं का स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। डॉक्टर की जांच में पता चला कि बच्चों में लीवर इन्फेक्शन हो गया है। स्कूल में गंदा पानी पीने के कारण हुआ इन्फेक्शन। इंदिरा गांधी की जयंती पर प्रदेश कांग्रेस का मेगा प्लान, 2022 चुनाव को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े ऐलान। घोषणा पत्र पर राय लेने के लिए जारी टोल फ्री नंबर। 2022 चुनाव से ठीक पहले उत्तराखंड में भी शुरू हुई नाम बदलने की राजनीति। धामी सरकार ने उधम सिंह नगर के दो स्टेडियम के बदले नाम, पिथौरागढ़ के एक स्टेडियम की दर्शक दीर्घा का भी रखा गया नया नाम। उधम सिंह नगर जनपद के नानकमत्ता में अज्ञात वाहन ने मोटरसाइकिल को मारी टक्कर, बाइक सवार तीन युवक हुए बुरी तरह से घायल। अस्पताल में डॉक्टर ने घायल तीन युवकों को किया मृतक घोषित।